भगवा गुलाल उड़ता नजर आ रहा है। 18 सालों तक कांग्रेस में रहने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ने आखिरकार कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। ज्योतिरादित्य ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की थी। ये बैठक तकरीबन एक घंटे तक चली और बैठक से निकलने के कुछ देर बाद ही सिंधिया अपना इस्तीफा लेकर 10 जनपद पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया को अपना इस्तीफा सौंपा। कयास लगाए जाने की शाम तक सिंधिया बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से चर्चा है कि बीजेपी सिंधिया को राज्यसभा भेज सकती है। इस्तीफे में रोचक बात यह भी है कि इसमें कल यानी 9 मार्च की तारीख पड़ी हुई है। तो वहीं खबर यह भी है कि मध्य प्रदेश में 14 कांग्रेस विधायकों ने अपना इस्तीफा राजभवन को भेज दिया है, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। जितना सम्मान देना चाहिए था हमारे पार्टी दिए थे, लेकिन आज न जाने लालच लोगों को कहां से कहां ले जाते हैं। लेकिन ये बात मैं जरूर कह सकता कि कांग्रेस पार्टी में वो राजा की हैसियत में विराजमान थे, लेकिन बीजेपी पार्टी में जाकर उन्हें जरूर प्रजा बनना पड़ेगा। जब तक वहां थे तब तक महाराजा थे, और आज माफिया हो गए। ये दोहरे मापदंड कांग्रेस को शोभा नहीं देते। मध्य प्रदेश के जनादेश को पलटने का ये षड्यंत्र है, और ये इसलिए है क्योंकि माननीय कमलनाथ जी ने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। चाहे माफिया जमीन का हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे एडल्ट्रेशन का हो, हर तरह के माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई दबंगाई से कमलनाथ जी ने की है, उसके कारण ये घबराए हुए हैं। बीजेपी कब ऑफिशियली ज्वाइन करने जा रहे हैं? हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी होली। आपने ये डिसीजन क्यों लिया? आप कुछ कहना चाहेंगे? औपचारिक तौर पर कब ज्वाइन करने जा रहे हैं? तो सिंधिया ने क्यों छोड़ी है कांग्रेस? दरअसल पार्टी में अपनी उपेक्षा से वो नाराज चल रहे थे, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, इस तरह की बात भी सामने आई है। लोकसभा चुनाव के बाद से पार्टी की गतिविधियों, उनको दी गई जिम्मेदारियों को लेकर नाराजगी उन्होंने जाहिर की थी। राज्यसभा न भेजे जाने से भी सिंधिया खफा चल रहे थे। यही वो तमाम वजह हैं, कारण हैं जिसके चलते उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है और लंबे सफर को किनारा करते हुए अब पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं सियासी उठक पटक के बीच पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मीडिया के सामने और कहा कि हमारी तैयारी भी राज्यसभा चुनाव की है। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा और बसपा के भी एक एक विधायक बीजेपी में जा सकते हैं। विधायक मित्र मेरे अपने छोटे भाई हैं, बड़े व्यक्तिगत रिश्ते हैं, संबंध है। हम लोग मिले, मुंह मीठा करवाया, बातचीत की और उनको विदा किया। सर, कोई प्लानिंग कोई प्लानिंग नहीं है हमारी, सिवाय इसके कि राज्यसभा के चुनाव की हम लोग स्ट्रेटर्जी बनाएं। और चलिए अब आपको इस होली पर संत कबीर नगर की छूट